हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सूर्यवंशी, वेलकम्स यू ऑल एट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्यूरॉन्स क्लासेस वेयर वी सेंड द इम्पल्स ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक बोर्ड स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं, ताकि वो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको प्रॉपर वे में नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो बेस्ट स्टडी होती है वो बुक से होती है। जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मेरा प्रेफरेंस होता है वो यही होता है कि आप एक बुक को फॉलो कीजिए। आप उस बुक में थ्रोली पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आप कम्प्लीटली रीड कीजिए और समझिए। उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चैप्टर के नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे एक अच्छा फ्रेंड हमारा मुसीबत में कभी भी साथ नहीं छोड़ता है और कम से कम समय में हमारी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन हमें निकाल कर देता है, ठीक उसी तरह से जब हम एग्ज़ाम हमारे नज़दीक होते हैं या हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि हम पूरी की पूरी बुक को बैठकर पढ़ें। तो वहाँ पर नोट्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप पेपर देने जाते समय आप एक सरसरी निगाहों से एक बार अपने नोट्स पर नज़र डालिए और जल्दी से सारी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट्स हमारी प्रिपरेशन में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न होता है कि हम नोट्स प्रिपेयर कैसे करें, हमें नोट्स प्रिपेयर करना नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक अच्छे तरह से अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको यूज़ अ स्पाइरल नोटबुक of plain pages। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है कि जब हम लाइनिंग वाले पेजेस में नोट्स बनाते हैं तो जो लाइन है बीच में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स का काम करती हैं। हालांकि ये चीज़ आपको थोड़ी सी वियर्ड लगेगी कि लाइंस का नोट्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका लेना देना होता है। कैसे? क्योंकि जो लाइन होती हैं वो इनिशियली हमें जब हम छोटे होते हैं क्लासेस में तो वो इसलिए लाइन वाली कॉपी हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर वे में लिखना सीख जाएं, लाइन सीधी लिखना सीख जाएं। लेकिन जैसा कि अब आप बड़े हो चुके हैं तो लाइंस एक तो नोट्स को कंजेस्टेड करती हैं, आपको काफ़ी भरा भरा सा लगता है पेज, जिसकी वजह से आप पहले ही डर जाते हैं कि अरे इतना सारा पढ़ना है इसमें, तो इतना पेज है, इतने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो यही लेना है कि आप विदाउट लाइनिंग वाली प्लेन पेज की स्पाइरल नोटबुक यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे बुक्स में टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, यूज़ कलरफुल पेन्स, यूज़ कलरफुल पेन्स, आपको कलरफुल पेन यूज़ करने हैं। अब कलरफुल पेन यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नोटबुक को सतरंगी बना दें या ड्राइंग नोटबुक बना दें, नहीं। आई मीन कि आपको 3 से 4 कलर के पेन यूज़ करने हैं। आप ब्लैक ब्लू आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी कलर 2 से 3 से 4 कलर के पेन आप कॉमनली यूज़ कीजिए, ताकि आपको अच्छा नोट्स आपके अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नोट्स बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले जब आप चैप्टर रीड करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, टीचर ने क्या इम्पोर्टेंट बताया है, यूट्यूब पे आपने क्या इम्पोर्टेंट देखा है, उसके साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पढ़ते समय आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट लग रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक हाइलाइटर यूज़ करना है, यूज़
हाइलाइटर, ठीक है। आपको हाइलाइटर यूज़ करना है जब आप बुक में रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं आप उन चीज़ों को हाइलाइटर से मार्क करते चले जाइए, और जैसे ही आपका एक पैराग्राफ ख़त्म होता है या फिर आपका एक टॉपिक फिनिश होता है तब आप उसको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। लिखना किस वे में है, आपको सबसे पहले जो प्लेन पेज वाली स्पाइरल नोटबुक है उसमें आपको चीज़ें खुली खुली लिखनी है, ठीक है। लाइन्स आपको काफ़ी गैप देकर लिखना है ताकि एक पेज पर कम से कम जो है थोड़ा गैप रहे, आपको लाइंस खुली खुली दिखें, वर्ड आपको क्लियर दिखने चाहिए। आप उसको कंजेस्टेड करने की कोशिश मत कीजिए कि पूरा का पूरा सारा टॉपिक आप एक ही पेज पर भरने में लग गए, नहीं। क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ एक पेज पर खुला खुला साफ साफ जितना कम से कम हो सके उतनी चीज़ों को लिखिए, ठीक है। ऑलवेज राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ऑलवेज राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद एरो स्टार्स एंड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कोई थ्योरी को लिखने के लिए आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको स्टार्स लाइन पॉइंट बना बना कर चीज़ें लिखनी है, तो आप उसमें एरो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें स्टार का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी सिंबल या जो भी चीज़ आपको सुटेबल लगती है आपके अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू राइट As try to write as much as possible in points, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें लिखनी है कम से कम चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, उसको पैराग्राफ मत बनाइए, सिंपल सिंपल एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन की चीज़ें लिखिए आप, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, सिर्फ आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम चीज़ें नोट्स में लिखें, आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरी लाइन में, जैसे कि कुछ भी चीज़ है आपको लिख आपको समझ में आ गई कि ये चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, तो क्या ज़रूरत है कि आपको पूरा का पूरा लिखना है, पूरा का पूरा तो भाई किताब में लिखा ही हुआ है। आपको सिर्फ जितना कम से कम अपनी हिंट के अकॉर्डिंग आप अपनी हिंट बनाइए कि हाँ ये दो तीन कीवर्ड्स हैं इस लाइन के, इस पॉइंट के, या इस डेफिनेशन के, ये तीन से चार कीवर्ड हैं, आप उनको लिखिए पॉइंट बनाकर, ताकि अगली बार जब आप एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार जब उस पर नज़र डालेंगे तो सीधे वो की पॉइंट्स आपके माइंड पर स्ट्राइक करने चाहिए और सारा की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि जब फिर नोट्स का क्या फ़ायदा हुआ, जब आप पूरी लाइन बुक में लिखी हुई है वही लाइन आप कॉपी में लिख रहे हैं तो क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए कम से कम चीज़ों को आप नोटबुक में अपनी लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, यूज़ डायग्राम्स, आपको क्या करना है, डायग्राम्स यूज़ करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहां आपको डायग्राम्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं विद वेल लेबलिंग, और अगर आपको उसके बारे में कुछ भी थ्योरी मटेरियल लिखना है तो आप क्या करें, डायग्राम के पास में ही जहां आपने डायग्राम बनाया है वहीं पर छोटे छोटे डॉट लगाकर आप अपने कीवर्ड्स को साथ के साथ लिखते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा कि आपका लिखने का काम बचेगा और चीज़ें जल्दी माइंड में सेट हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स, मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप नोट्स बनाते टाइम फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए, जहाँ पर प्रोसीजर हैं, स्टेप्स हैं,
ठीक है वर्किंग है, तो उसमें एक सीक्वेंशियल मैनर में जो चीज़ें चलती हैं उनके लिए आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिर उनके कैरेक्टर्स आपको डिफाइन करने होते हैं, तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट्स बनाने का यूज़ कीजिए। जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे कलरफुल तरीके से, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर याद रहेंगी। नोट्स का मतलब ही यही है कि आपको बुकिश लैंग्वेज को सिर्फ कम से कम पॉइंट्स में, हिंट्स में और डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना ना पड़े, सिर्फ एक बार नज़र मारी और सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में दोबारा से रिकॉल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था राइट फॉर्मूलाज, यूनिट्स, सिंबल्स, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, आप क्या कीजिए अपने नोट्स में या तो बीच में या लास्ट में 4-5 पेज छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप सीक्वेंशियल जो भी चैप्टर पढ़ते समय आपके साथ, जैसे आपने पहला टॉपिक ख़त्म किया उसमें कोई न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आया है तो आप उसको पीछे पेज पर डालकर लिख लीजिए, अगला टॉपिक किया उसमें न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आया तो आप उसको लिख लीजिए, कोई सिंबल आया एक पेज बना लीजिए सिंबल का, जिसमें आप सिर्फ यही लिखेंगे कि कौन सी यूनिट है, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मेजरिंग यूनिट क्या होता है। तो इस तरह से आपके पास वो क्या हो जाएगा, आप उन चीज़ों को बाय फॉरगेट कर सकते हैं और क्विकली उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये लॉजिक सिंपल सा आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। और जो कुछ ईयर्स होते हैं, कई बार ईयर्स होते हैं, साइंटिस्ट के नाम होते हैं, या कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो बहुत कभी कभार यूज़ होते हैं नोट्स में, या किसी एक प्रोसेस में एक दो स्टेप ऐसा है जहाँ पर वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके लिए मेक क्लाउड्स आप ऐसे इस शेप में, आप वहीं पर जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं वहीं पर क्लाउड्स बनाइए, और जो भी एंजाइम है या जो भी साइंटिस्ट है उसका आपको क्या नाम का, उसका क्या करना है आपको उस क्लाउड के अंदर उसका नेम, उसका ईयर और उसका कीवर्ड कि किस चीज़ किसने डिस्कवरी की थी या किस चीज़ में ये वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि सेल, ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में डिस्कवर किया था, और किसको डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पूरी थ्योरी पूरी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने साइड में इसको एक क्लाउड बनाकर बादल बनाकर लिख दिया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। तो इस तरह से आप क्लाउड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये सारी चीज़ें, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं और अपने जूनियर्स को आने वाले टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं। नोट्स आपको आगे तक हमेशा काम में आते हैं, आप उनकी हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलरली जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उसका बेनिफिट उठा सकें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इसके अलावा कोई भी ऐसी हेल्प है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे करना है क्या करना है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पर भी आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन बना सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।